ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना इस वक्त चर्चा का विषय है। अब सोचिए कि सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम का खोखलापन आपके बच्चों की जान तक ले सकता है। वो परिवार जो के अपने आमदनी का एक एक रुपया बचाकर अपने बच्चों को बड़े शहरों में बड़े अफसर बनने का सपना लिए भेजते हैं, उन्हें क्या इस बात की कभी भनक भी रही होगी कि उनका बच्चा दिल्ली जाकर कभी घर ही नहीं लौटेगा, उनकी बेटियां कभी दिल्ली जाकर घर नहीं लौट पाएगी। सिस्टम का ये खोखलापन जो है उनकी जान तक ले लेगा। और ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बड़े बड़े संस्थान चलाए जा रहे हैं आईएएस कोचिंग के नाम पर, उनकी व्यवस्था क्या है, उनके भीतर किस तरीके के व्यवस्था के तहत पढ़ाई करवाई जाती है, ये तमाम की तमाम पोल जो है वो खुल करके सामने आ गई है। मोटी और भारी भरकम रकम लेकर आपके बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, लेकिन उसके बदले में व्यवस्था क्या दी जाती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। चूंकि ओल्ड राजेंद्र नगर की ये घटना साफ तौर पर सिस्टम के गाल पर एक तमाचा तो है ही है, लेकिन ये इस बात की भी पोल खोलता है कि ये तमाम व्यवस्था, चाहे एमसीडी की बात करें या प्रशासन की बात करें, भाजपा की बात करें, तमाम अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, ये दरअसल जब ये घटनाएं घट जाती है तभी जा करके वो इस पर बयानबाजी करते हैं, तभी जा करके वो एक्टिव होते हैं। व्यवस्था तब सुधरनी चाहिए जब घटना न घटी हो, घटना घट जाने के बाद तो व्यवस्था में सुधार की बात सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जाना ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। जो ओल्ड राजेंद्र नगर में ये पूरा का पूरा मामला जो है देखने को मिला है, और इसको लेकर के यूपी तक ने प्रमुखता से एक रिपोर्ट छापी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सेंटर में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ बेसमेंट में अचानक पानी भरने से स्टडी सेंटर में पढ़ाई कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई है। हादसे में जान गंवाने वालों में यूपी की छात्रा श्रेया यादव भी हैं। जानिए आखिर क्या हुआ। दरअसल ये जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सेंटर में बड़ा हादसा हो गया है, यहाँ बेसमेंट में अचानक पानी भरने से स्टडी सेंटर में पढ़ाई कर रहे कई छात्र फंस गए। छात्रों को निकालने के लिए फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मगर अब 3 छात्रों का शव बरामद किए गए हैं। मृतक छात्रों में से 2 लड़कियां हैं, और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्रेया यादव की भी मौत हो गई है। छात्र कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करती थी। श्रेया यादव यूपी के अंबेडकर नगर जिले के बरसावा हाशिमपुर की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि छात्रा ने हाल ही में यानी जून जुलाई में ही कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। छात्रा की उम्र 25 साल थी। छात्रा के पिता का नाम राजेंद्र यादव है। इसके साथ इस हादसा में केरल के एक छात्र नेविन डालविन और तानिया सोनी ने भी अपनी जान गंवाई है। माना जा रहा है कि जैसे ही बेसमेंट में पानी भरा, ये तीनों छात्र बुरी तरीके से अंदर फंस गए और इन तीनों की मौत हो गई। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इन तीनों के शव बरामद किए गए हैं। आपको बताएं दर्शकों कि जो बेसमेंट में ये तीनों छात्र पढ़ रहे थे और बाकी तमाम छात्र पढ़ रहे थे, दरअसल इनको निकलने तक का मौका नहीं मिला। अब सोचिए कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, ये क्या एमसीडी का बड़ा फेल्योर नहीं है? क्या एमसीडी इस पूरे मामले को लेकर के पहले से चौकन्ना नहीं हो सकती थी, या जानबूझ करके इस तरीके की घटनाएं लगातार घटने दी जाती है और तब जा करके इस पर राजनीतिक पार्टियां जो है
वो सियासी तौर पर अपनी रोटियां सेकते हैं। इस पूरे मामले पर अब धड़ल्ले से एक के बाद एक आपको ट्वीट देखने को मिल जाएंगे, एक के बाद एक आपको बयान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस खोखले सिस्टम का ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? इससे पहले भी कई ऐसी मौतें हुई है। एक और जो बड़ी खबर है, सूर्या समाजवादी ने जो इस नाम से जो एक पोस्ट लिखा गया है, एक श्रिया यादव के पिता दूध बेचकर दिल्ली की सबसे महंगे कोचिंग राव आईएएस में नाम लिखवाया था। श्रिया हुनहार छात्रा थी, घर वालों को भरोसा था श्रिया आईएएस बनेगी। कोचिंग वालों की लापरवाही ने श्रिया और उनके परिवार के सपने को चूर चूर कर दिया है। अब सोचिए कि दूध बेच करके एक परिवार जो है अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में भेजता है और दिल्ली के सिस्टम का ये खोखलापन उस बच्ची की जान ले लेता है। उस बच्ची का सपना जो आईएएस बनकर देश के शासन में देश के व्यवस्था को सीधे तौर पर जो है सुचारू रूप से चलाने का जो उसका एक मन था वो पूरे तौर पर चकनाचूर हो जाता है। और यहीं तक नहीं, ये घटना मात्र एक घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से करंट लगने से एक युवक की मौत हो जाती है जो यूपीएससी का छात्र था, उससे पहले भी आग लगने से मौत हो जाती है। और दिल्ली में आपको कई अनगिनत ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहां पर अगर व्यवस्था बिगड़ जाए, अगर हालात जो है वो बेकाबू हो जाए, तो वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक जो है समय रहते हुए नहीं पहुंच सकती है। और क्या इसको लेकर के सुचारू ढंग से व्यवस्था ने इस पर कोई काम किया है? क्या कोई इस पूरे मामले को लेकर के बड़े कदम उठाए गए हैं? इसका जवाब ना में है। क्या श्रेया यादव नाम की इस युवती की जान की जिम्मेदारी कोई लेगा? क्या उस माँ बाप के उस जो अधूरे सपने को वो युवती पूरा करने वाली थी और उस माँ बाप ने दूध बेचकर उस छोटे से कस्बे से अपनी बेटी को दिल्ली जैसे बड़े शहर में इसलिए भेजा ताकि वो देश का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके और देश के इस खोखले व्यवस्था को दुरुस्त कर सके? लेकिन क्या पता था कि दिल्ली आना उसकी जान का जंजाल बन जाएगा, दिल्ली आना उसके परिवार से उसको अलग थलग कर देगा, दिल्ली आना उसके परिवार के लिए एक बड़ा सदमा बन जाएगा और दिल्ली आना उसके परिवार को उसकी मौत की खबर देगा? इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट लिखा है। दिल्ली की एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मौत हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवा कर चुका रहा है। सुरक्षा और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। ये इन्होंने अपना ट्वीट तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर छात्रों की सुरक्षा नहीं की जा सकती, अगर यहाँ पर लोगों को साफ हवा जो है वो नहीं मिल सकता है, दिल्ली में आप देखिए कि बारिश होने की वजह से किस तरीके से सड़कें लबालब भर जाती है। और कल की जो ओल्ड राजेंद्र नगर की ये घटना है दर्शकों, ये कोई 4-5 घंटे की बारिश के बाद नहीं पैदा हुई है ये स्थिति, ये मात्र आधे एक घंटे की मुश्किल से बारिश हुई होगी और उसके बाद ये व्यवस्था का जो लचरपन है वो खुल करके सामने आ गया। और इसके बावजूद भी होगा कुछ नहीं,
इस पूरी घटना को लेकर के कुछ दिनों तक इस पर चर्चा होगी, कुछ दिनों तक जो है इसका खंडन किया जाएगा, इस पर तमाम लोग अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और फिर मामला जस का तस बनेगा। क्या श्रेया की जान वापस आ सकती है? क्या श्रेया के परिवार ने जो अपनी बेटी को खोया है और उस परिवार के पिता ने जो बात कही है वो आपको रुला देगी? उनके पिता ने यह कहा कि भले ही देश ने एक बेटी खोया हो लेकिन उनकी दुनिया उजड़ गई है, उनकी दुनिया समाप्त सी हो गई है। और अब क्या सिस्टम इसका हिसाब दे सकता है? क्या सिस्टम इसकी भरपाई कर सकता है? दिल्ली में ऐसे कई संस्थान चलाए जा रहे हैं, ऐसी कई संस्थाएं चलाई जा रही है जिसको लेकर के अब भी सवाल है कि आखिरकार इसको लेकर के जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था लगातार आप देख रहे हैं कि कोलैप्स हो रही है और छात्रों की जान जा रही है, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छोटे कस्बों से जो लोग निकल करके यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी किसके सर होनी चाहिए? श्रेया के जान जाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन उसके परिवार को उसकी बेटी लौटाएगा? क्या कोई इस बात की जवाबदेही आज तय करेगा? इस बड़े सवाल के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं, आपको क्या लगता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर की यह घटना किसकी जिम्मेदारी है, किसके सर इसका ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए और किसने इन छात्रों की जान ली है अपनी इस लचर व्यवस्था के कारण, या फिर आप कहें कि इस तरीके के जो कोचिंग माफिया बैठे हुए हैं, जो पढ़ाने के नाम पर आपसे लाखों रुपए वसूल करते हैं लेकिन व्यवस्था के नाम पर, आपकी सुरक्षा के नाम पर उनके पास कोई भी जवाबदेही जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।